ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी, उन पर प्रेम प्रकाश दुबे नाम है उनका, उन पर अवैध खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया। उनको माना जा रहा है कि प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हेमंत की मुश्किल और बढ़ा सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को ईडी ने अवैध खनन के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रेम प्रकाश को राजधानी रांची से अरेस्ट किया है। दरअसल ईडी ने कल झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामलों में प्रेम प्रकाश के आवास पर छापेमारी की थी। कल हुई कार्रवाई के दौरान ईडी ने प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 राइफलें भी बरामद की थी। ईडी की टीम ने कल सुबह 6 बजे प्रेम प्रकाश के आवास पर दबिश की थी, जो कि देर रात 12 बजे तक चली। करीब 18 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद बुधवार देर रात करीब 2 बजे ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि प्रेम प्रकाश पर ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी PMLA की आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की है। ईडी ने इस मामले को लेकर कल रांची समेत सासाराम में प्रेम प्रकाश के रिश्तेदारों के 2 ठिकानों और तमिलनाडु और दिल्ली NCR में भी छापा मारा था। खबर है कि प्रेम प्रकाश को जल्द ही रांची की एक अदालत में पेश किया जाएगा, जहां जांच एजेंसियां उनकी हिरासत की मांग करेंगी। अवैध खनन के मामले में ये तीसरी गिरफ्तारी है। इससे पहले ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सहयोगी पंकज मिश्रा और मिश्रा के सहयोगी और बाहुबली बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था।